ये इको फ्रेंडली सराउंडिंग्स, ये हरियाली और ये रास्ता जो जाता है सीधा गिरी भाई के दौलत खाने को। जिया भाई, ये दौलत खाना नहीं है, ये गरीब खाना है। ये गरीब खाना कहते हैं हम। सर, इसे कहते हैं मॉडेस्टी। हमने ये जानना चाहेंगे कि इस गरीब खाने जो आप कहते हैं और दौलत खाना जो मैं कहता हूँ, उसका एक बड़ा एग्जॉटिक सा नाम दिया है। जी, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो भी है इस गरीब खाने की। इसका नाम हमने रखा है फैज़े पंजतन। फैज़े पंजतन, माशाल्लाह, बहुत ही नायाब नाम है। ये बताइए कि ये जो हरियाली है चारों तरफ, इसका शौक आपको कब से है? ये सब सारा शौक जो है मेरे वालिदैन की तरफ से मिला है मेरे को। मेरे माँ बाप बहुत ही शौकीन थे। उनके छोटे से घर में अपना जो गरीब खाना था वालिद साहब का, क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, वहाँ पे एक जाम का झाड़ था, आम का पेड़ था। तो बहरहाल ये शौक मेरे को मेरे वालिदैन की तरफ से मिला है। तो उनको बहुत शौक था घर में गुलाब के पौधे, फूलों भरी बेलें वगैरह लगाते थे वालिद साहब, और वहाँ से वो शौक हमें भी आ गया। और मैं बहुत बड़ा नेचर फ्रीक हूँ। आई एम ए नेचर फ्रीक। आई लव ग्रीनरी एंड आई लव आई एम ए फ्रीक इन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। जी, वो दूसरे एपिसोड में पूछिए उसकी। वो ग्रीनरी तो दिखती है सर, जो फिटनेस आपकी है माशाल्लाह से, ऐसे सराउंडिंग्स में रह करके और जो आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं टू कीप योरसेल्फ इन फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस, माशाल्लाह से। और इसी के साथ हम अपना आगे की बातचीत का दौरा शुरू करें। बिल्कुल, आइए सर, तशरीफ रखिए। जी गिरी भाई, पिछले एपिसोड में आपने बहुत मज़ेदार बात कही कि आपकी शुरुआत ईंट से हुई। ईंट और ग्लव्स के बारे में जो किस्सा आपने बयान किया, बड़ा मजा आया हमें सुन के। हमने ये भी सुना है कि आपने अपने हुनर का लोहा स्कूल के दिनों से ही मनवा लिया था। जी, उसके बारे में। स्कूल की शुरुआत जो हुई है क्रिकेट की मेरी, असल में देखा जाए तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है खिलाड़ी, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में क्यों ना हो, वो स्कूल से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो स्कूल टूर्नामेंट्स, हमारे इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे, कोटिनियन शील्ड बिशप कॉटन स्कूल्स कंडक्ट करती थी, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा कंसिस्टेंसी के साथ। तो सेंट जोसेफ्स इंडियन हाई स्कूल ने मेरा नाम सिलेक्शंस के लिए, मैसूर स्टेट स्कूल सिलेक्शंस, उस ज़माने में उम्र का लिहाज नहीं रहता था, सिर्फ स्कूल जूनियर एंड सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट। जी, और फिर उसके बाद साउथ जोन स्कूल में जो सिलेक्शन आपका हो। जी, वहाँ से अच्छा प्रदर्शन दिखाने के बाद स्टेट स्कूल पे मेरा सिलेक्शन साउथ जोन में भी हो गया। तो वहाँ से उसके बाद इंडियन स्कूल्स का होता है। जी, जी। और ऑस्ट्रेलियन स्कूल, हमने सुना कि ऑस्ट्रेलियन स्कूल के साथ भी वो कुछ मैच था उसी दौरान। जी हाँ, ये 1965-66 की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स का दौरा भारत का हुआ था। तो वहाँ पे मेरा प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। 3 टेस्ट मैचेस खेले हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और पहले 2 टेस्ट मैचेस में नाचेज ने शतक लगाई मद्रास हैदराबाद। उसके बाद बॉम्बे वॉज द लास्ट, वहाँ पे बॉम्बे में 75 मैंने स्कोर किया। दिस वॉज माई कंसिस्टेंसी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स फॉर द इंडियन स्कूल्स। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आपने अपना लोहा मनवाया और उसके बाद इंग्लैंड का भी टूर हुआ। जी, बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंटली ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स जब वापस हो गए ऑस्ट्रेलिया को, तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिप बाई इंडियन स्कूल्स टूरिंग UK। सो वहाँ पे भी मेरा पहला मैच जो हुआ इंग्लैंड में अगेंस्ट हैम्पशायर स्कूल्स, 104 नॉट आउट रहा मैं, और एज ए बैट्समैन खेला वहाँ पे। हालांकि मेरे ग्लव्स साथ में थे, दे वर बेटर विकेट कीपर्स देन मी ऑन दैट टूर, इंडियन स्कूल्स टूर टू इंग्लैंड, एंड वहाँ पे 4 विकेट कीपर्स थे, आई वॉज द 5th वन देयर इन दैट टीम। जी, तो जाहिर सी बात है आपने जो है आपने अपना मेटल साबित किया, और फिर उसके बाद जो प्रोग्रेस हुआ वो हम सब
काफ़ी कुछ जान चुके हैं और इंशाल्लाह आपकी जो किताब आएगी, आपकी जो ऑटोबायोग्राफी आएगी, उसमें तफसील से हम जानेंगे ये सब इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, उस ऑटोबायोग्राफी में पूरे डिटेल्स रहेंगे। इट विल बी नथिंग बट द गॉस्पल ट्रूथ कि हाउ आई क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस, क्या क्या हर्डल्स मैंने क्रॉस किए हैं उस दौरान, जर्नी ऑफ माई एंटायर जर्नी विल बी इन दैट ऑटोबायोग्राफी। तो आप उसका हम सब को जल्द से जल्द उसका इंतज़ार रहेगा। तो हम दुआ करते हैं कि वो किताब जल्द से जल्द पब्लिश हो ताकि हम सबको पढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही इच्छा है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करूं, लॉन्च करूं, ताकि सारे पढ़ने वाले और नावल पढ़ने वाले जो शौकीन रखते हैं और जो क्रिकेट की शौकीन हैं उनको बहुत मज़ा आएगा वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने। हमने सुना बहुत सारी गॉसिप्स भी हैं उसके अंदर। जी सर वो भी बहुत दिलचस्प होगा। जी ठीक है, आप मुस्कुराते भी खूब हैं और गाते भी खूब हैं और शर्माते भी खूब। दिल ने चाहा आपको दावत पर बुलाऊं, फिर पता चला आप खाते भी हो। चलिए इसी हल्के फुल्के शेर के साथ शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, द फन सेगमेंट कॉल्ड इन लाइटर वेन। गिरी भाई, क्रिकेट से रिलेटेड तो हमने बहुत सारी बातें की, आगे भी करेंगे, और कई दफा आपके साथ जब मैं बैठा हूं, किसी किसी मौक़ों पर आपने बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार किस्से सुनाए हमें, जो जिसे सुन के हम लोग लोट पोट हो गए बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को कुछ ऐसे कोई किस्से जो अभी जहन में हैं प्लीज़ ज़रा शेयर करें तो बड़ा मज़ा आएगा। ज़रूर ज़रूर, ये 1976 का वाक़या है जो मेरी ये डेब्यू सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ ट्विन टूर था ये। और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ पहुँचने के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे थे बारबेडोस में, तो नेट के पीछे खड़े रह के मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग, मतलब वो मान वाली जगह। हाँ जी, ये नाउ जैसे आप मान कहा है तो उनका एक्सेंट जो है वेस्ट इंडियन एक्सेंट जो है इट्स अ लिटिल डिफरेंट एक्सेंट। वी से हाय मैन, वी से लाइक दिस, सो दे से हाय मान, उनका एक्सेंट है। आई ट्राई टू एम्यूलेट व्हाट आई वेंट थ्रू। पीछे खड़ा हूँ मैं जजिंग द पेस ऑफ द पिच, विकेट कीपिंग करने से पहले। तो यंग वेस्ट इंडियन केम अलॉन्ग एंड दे आर ए वेरी रिदमिक लॉट, वो एक जगह खड़े रहते ही नहीं है, अगर बात भी कर रहे हैं तो ए हाउ यू डूइंग मैन, ओके दे स्वे अलॉन्ग दिस ऑल दिस एक्शन भी एक्शन यूं यूं बता के ताकि बात करते हैं। तो ये कुछ देव साहब के अंदाज में। हाँ जी, वो तो अलग ही है, ये वेस्ट इंडियन का स्टाइल था ये। तो बहरहाल इसने आया करीब आके मेरे बाजू खड़े रह गया, मैंने आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई विकेट कीपिंग हाउ टू गो इन साइड द नेट। तो इसने बाजुक से आके मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया और कहा कि ए हाय मान, बोल के ऐसा इस वे है, बोला ओके यार, देखा मैं उसे ऐसा या हाय हाय, ए हाउ यू डूइंग मान, ऑलराइट ओके यस आई एम डूइंग फाइन आई एम डूइंग फाइन, हे व्हाट्स योर नेम नमान, बोल के ऐसा उन्हें मेरे को ही आस्क मी दैट, अरे यार सैयद किरमानी, oh you were the wicket keeper Naman and you did pretty well in New Zealand, yes I've been following that very closely, apparently he was well versed with what is happening in the cricket scenario, so obviously he was connected with it, so I said you did very well, how are you going to go here Naman, bol ke pucha mereko, to main bola yeah well I'll do my best man depending on the pitches which you're going to play in your country. The next question he asked me, Zia bhai, took the floor off my feet, believe me, he said, hey are you married man, pucha mere, yaar
What sort of question are you asking me? Yeah, I have to build my career. 1976, I'm talking about where I'm trying to establish myself into the cricketing scene. And this fellow is asking me, are you married, man? He said. I said, no, I'm not married. Hey, no, don't distract me. Let me concentrate. Oh, no, man, I just want to be very friendly with you and all. And the next question, he said, how many children you have, Naman? Oh my God. I said, Zia bhai. I said, hey, are you okay? We can't have children unless and until we are married, man. What nonsense are you talking about? Oh, he said, in our country, you see those two little far away young girl and two tiny tots were playing around there. You see those two little kids down there, Naman? Yeah, I do see those two kids down there, you know. Yes, and you see that girl also, Naman? Yeah, man, I'm seeing. What are you trying to tell me, man? Okay, now, I'm not married. But those are my two children, Naman, he said. I said, wow. So, more in my next episodes. तो जैसा देश वैसा भेस हमने सुना था, अगर ऐसा कुछ करना है आपको, तो सीधा वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा. है कि नहीं?